कई दोस्तों, हमारे अलवर मंडी में अब प्याज की तो समाप्ति हो चुकी है। अब धीरे धीरे किसान अब बीज बोएंगे और अब अपने अपनी पसंद का, हर किसान अपनी अपनी पसंद का बीज बोने वाला है। मेरे सामने किसान बैठे हैं और मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ये आपने बीज लिया है, कितना बीज लिया है बाबा आपने? 16 किलो बीज, 8-8 किलो बीज लिए। बीज दिखाएंगे बाबा को तो क्या शान, नाम पढ़ना नहीं आएगा। एक बीज का नाम है दोस्तों बसल सीड्स एंड कंपनी, और दूसरा बीज दिखाना मेगा श्री सीड्स रेड गैलेक्सी। बाबा ये क्या रेट लिया आपने? ये तो 1800 रुपये किलो, और वो दूसरा वाला 2000 रुपये किलो। कहाँ से लिए आपने? पप्पू भाई प्रधान। हाँ जी, ये तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये श्री खाद बीज भंडार के नाम से है, हमारे पप्पू भाई की शॉप पे आई है। और बाबा इस बीज की आपको, बीज थोड़ा नीचे करें, बीज की क्या जैसे कोई गारंटी वगैरह है, क्या क्या बताए? गारंटी ले रहा हूँ सब चीज की। क्या कौन ले रहे हैं? हरा होना की गारंटी हमारे पप्पू भाई ले रहे हैं। हाँ। क्या क्या गारंटी लिया उन्होंने? हरा होना की गारंटी। अच्छा, और धौलापन की गारंटी। अच्छा, गोल प्याज बनेंगे तो सब चीज सड़ा वड़ा नहीं निकलेगा। हाँ, तो फुल गारंटी ली है। फुल गारंटी ले रहा हूं। तो एक मतलब एक वो क्या नाम, एक बीघे के लिए कितना बीज बोना चाहिए बाबा आपको? तो जैसे मालूम हो 14-15 किलो एक बीघा, नहीं एक बीघा घंटी के लिए प्याज बोने के लिए, नहीं मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ। जब आप जैसे एक, हम एक बीघा काम बोए। अच्छा, आप एक बीघा में सारा बीज 14-15 किलो बोओगे? हाँ। जब एक बीघा बीज 20-20 में बो जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, में तो आप कितनी प्याज बोओगे? मैं 4-5 बीघा। अच्छा, तो आपको 4-5 बीघा के लिए कितना बीज चाहिए रहेगा? अभी हम देखो कैसे बैठे कैसे निकले। अच्छा अच्छा, इसको बो वैसे पहली बार रहे हो, पर लिया आपने पप्पू भाई की दुकान से है, और मतलब माल की फुल गारंटी दी है उन्होंने। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।